साहिल कहता है इंडिया में एक हीरा ग्रुप मुस्लिम कंपनी है जो हलाल प्रॉफिट देती है, इस कंपनी में पैसा लगाना कैसा है? हीरा ग्रुप एक जिम्मेदार ग्रुप है, उलमा की सरपरस्ती उसे हासिल है, अहले ईमान का एक गिरोह उनके साथ है उलमा की सूरत में। मैं शख्सी तौर पे जानता हूं इस ग्रुप को, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक तो इनकी तिजारत अल्लाह की रहमत से हलाल तिजारत है और उलमा की सरपरस्ती इनको मुयस्सर है। शेख मेराज रबानी हाफिज़ाहुल्लाह, शेख जलालुद्दीन कासमी हाफिज़ाहुल्लाह और हमारे जिद्दा से आकिल भाई हाफिज़ाहुल्लाह, उनका इनके साथ करीबी ताल्लुक है और उलमा का एक बहुत बड़ा गिरोह है जिनका हीरा ग्रुप से ताल्लुक है और वो उनके मामलात को देखते भी हैं, रहनुमाई भी करते हैं। और हीरा ग्रुप की जो चेयरपर्सन हैं डॉक्टर साहब, अल्लाह उन पर रहमत फरमाए, वो खुद अहले इल्म में से हैं और उलमा की कदरदान हैं, बल्कि बिला तफरीक मजहब व मिल्लत वो मजबूर इंसानियत की मदद करती हैं, जिन तक भी उनके उन तक जिसकी भी खबर पहुंच जाए उनके साथ खड़ी होती हैं, मदद करती हैं। और ये ग्रुप बहुत अच्छा है, इसकी तिजारत में हिस्सा लीजिए। कुछ लोग अपने जाती मकासिद के लिए उनके खिलाफ गाहे बगाहे नेट के जरिए कुछ ना कुछ दुश्मनी में कहते रहते हैं, तो ये वो लोग हैं जो अपने जाती मफादात की बिना पर या अपनी जाती दुश्मनी की बिना पर या डॉक्टर साहब के एक दीनी रुझान को और दीनी इमेज को खराब करने के लिए अगियार के कारकुन बनकर उनको बदनाम करने की नाकाम और झूठी कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रोपेगंडे में ना आइए, बल्कि इनके साथ जो साथी मिलना चाहे तो उन्हें हमारी तरफ से ये तसल्ली है अल्लाह की रहमत से कि इनके साथ उलमा की एक जमात मौजूद है, अहले इल्म मौजूद हैं और डॉक्टर साहब खुद अहले इल्म में से हैं। अल्लाह उन पर रहमत फरमाए, उनके कारोबार में, उनके माल में, उनकी जान में मजीद तरक्की दे, बरकतें दे, इज्जतों से नवाजे। और जो साजिशी उनके खिलाफ साजिशें करते रहते हैं, अल्लाह उनके शर से इस ग्रुप को, डॉक्टर साहब को, उनकी पार्टी को, उनके साथियों को महफूज रखे। साहिल